सोनम के नाम से है ना। हाँ हाँ कर दो लो। कौन से मैं? अच्छा ये उधर से आया है। फोटो लेना पड़ेगा उसका। नहीं नहीं बस ऐसे। हाँ ठीक है थैंक यू। ऑर्डर लेना है राइट। ये 50K जी है। हाँ जी हाँ जी। तो गाइस देखो मैंने ऑर्डर ले लिया जो कि यार इस ऑर्डर में ना थोड़ा सा लेट हो गया। पिकअप कंप्लीट थैंक यू। तो गाइस इसके घर पे कोई नहीं है तो इसने बोला मेल बॉक्स में डाल। तो गाइज आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ स्विगी में काम करने के लिए जो कि स्विगी में आज मेरा पहला दिन होगा। मेरा आईडी काफ़ी दिन पहले ही एक्टिवेट हो गया था, लगभग 6 महीने से भी ज़्यादा हो गया था मेरा स्विगी में आईडी एक्टिवेट किए हुए। और कंपनी की तरफ से मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉल भी आ रहे थे कि आपने अभी तक एक ऑर्डर भी नहीं कंप्लीट किया, मतलब क्या रीज़न है कि आप काम नहीं कर रहे हैं स्विगी में। तो जो मेरे साथ रीज़न होता था मैं बता देता था। मैं सच बोलूँ तो स्विगी में मेरा काम करने का बिल्कुल भी नहीं मन करता था, इसीलिए मैं अपना आईडी लॉगिन नहीं करता था। ओला उबर रैपिडो इसी में रह जाता था। लेकिन बहुत कुछ सोचने के बाद आज मैं स्विगी में काम करने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको ओला उबर रैपिडो एक ही चीज़ कब तक दिखाते रहूँगा। और आप लोग कमेंट भी कर रहे थे कि भाई स्विगी में काम करो, स्विगी में कितना अर्निंग होता है और चंडीगढ़ में मतलब फूड डिलीवरी कैसा चल रहा है, बाइक टैक्सी से अच्छा या फिर कम अर्निंग होता। तो मतलब यही सब सोच के मैं स्विगी में काम करने के लिए जा रहा हूँ। और आज का दिन देखते हैं, पहला दिन है और पहला दिन मेरे साथ कैसा गुजरता है और कैसा रहता है मेरा स्विगी का एक्सपीरियंस, तो सब कुछ आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करना। अभी मैं लॉगिन नहीं किया हूँ, सिर्फ मैं टी शर्ट वगैरह पहन के रेडी हो गया हूँ यहाँ से लॉगिन करके सेल्फी वगैरह दे के। तो मैं मिलता हूँ आपको पहला ऑर्डर के साथ। A few moments later. तो गाइज आज का पहला ऑर्डर मुझे अभी मिल गया है और अभी टाइम बज रहा 2:31, ठीक है 2:30 बज गया है और मैंने आज का पहला ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया है। अभी मैं रेस्टोरेंट जाऊंगा इसको पिकअप करने के लिए और उसके बाद फिर मैं ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। और आप लोग देख सकते हो कि मैंने बैग किस तरह बांधा है और इस बैग को बांधने में मुझे मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम फूड डिलीवरी करने के लिए आया हूँ ना, तो मुझे मतलब बैग बांधने का भी नहीं पता था। तो फिर भी मैंने किसी तरह के ये मैंने ख़रीद रखा था तो इसे बांध रखा हूँ और इसके अंदर जो बेल्ट दे रखा तो उसके साथ भी मैं अपना बैग को बहुत अच्छे से बांध लिया हूँ। अब मेरा बैग हिलेगा नहीं, कोई भी अगर फूड डिलीवरी करता हूँ तो फूड मेरा सेफ़ रहेगा। तो बैग को बहुत अच्छे से बांधना बहुत ज़रूरी होता है। तो गाइस देख लेते हैं आज का दिन स्विगी में कैसा रहता है और अगर काम करने में मज़ा आया और अर्निंग ठीक ठाक हो गया तो मैं ज़्यादा टाइम स्विगी में ही दूंगा, ठीक है। अभी मैं रेस्टोरेंट जा रहा हूँ ऑर्डर को पिकअप करने के लिए, ठीक है। और आज का मेरा पहला दिन है तो गाइस बिल्कुल मुझे अजीब सा फील हो रहा है मतलब स्विगी में काम करने से क्योंकि इससे पहले मैंने कभी किया नहीं। तो गाइज मैं रेस्टोरेंट का जो लोकेशन है वहाँ पर मैं पहुँच गया हूँ। तो यहाँ पे रिचेट पिकअप लोकेशन लिखा तो उस पर मैं क्लिक करके कंफर्म कर देता हूँ और यहाँ पर सेल्फी अपलोड करने के लिए बोल रहा मुझे। तो मैंने दोबारा स्विगी में सेल्फी दे दिया और रेस्टोरेंट की तरफ चलता हूँ मैं। जो इसका ऑर्डर है उसका मुझे ऑर्डर आईडी बताना पड़ेगा। 5284 जी। आपके पास कोड आया होगा ना अभी? कहाँ पे लिखा है अगर बता दोगे? फर्स्ट टाइम है मेरा स्विगी का, ठीक है। 12:38 7 किलोमीटर, ठीक है थैंक यू। तो गाइज मैंने ऑर्डर पिकअप कर लिया है, इसमें मटन कैरी है और रोटी है, ठीक है। तो आज मेरा फर्स्ट टाइम था तो ऑर्डर पिकअप करने में भी थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मुझे उतना पता नहीं था और नेक्स्ट टाइम कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसको मैं बैग में डाल लेता हूँ। इससे अच्छा जो मेरा टैंक बैग था ना वो सही रहता, लेकिन स्विगी कंपनी बोलती है कि भाई स्विगी वाला बैग लेकर ही चलो, तो बार बार फोटो सेल्फी भी अपलोड करने के लिए बोलता रहता है। तो गाइज अब यहाँ से मुझे दूसरा ऑर्डर मिल गया और ये भी 35 रुपीज़ का ही है। तो गाइज पहला दिन काम करके आप या मैं अर्निंग का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि स्विगी में कितना अर्निंग होता है, ठीक है। तो पहला दिन तो आप छोड़ ही दो, अगर कंटिन्यू मैं 1 हफ्ते काम करूँगा तब मुझे पता चलेगा कि बाइक टैक्सी से अच्छा है फूड डिलीवरी या फिर बाइक टैक्सी ही अच्छा है। पाजी ऑर्डर कहाँ से मिलेंगे? इसका ऑर्डर नंबर नहीं है क्या? राजमा राइस मिक्स। तो गाइज आज का दूसरा ऑर्डर भी मैंने पिकअप कर लिया है, ठीक है। तो यार स्विगी में काम करने के लिए ना मैं बहुत दिन से सोच रहा था और मैं स्विगी की आईडी भी इसीलिए बनवाया था कि मैं स्विगी में काम करूं और आप लोगों को स्विगी की अर्निंग दिखाऊं कि स्विगी में किस तरह अर्निंग होता है और कितना होता है। हेलो मैडम, मैं गेट पर खड़ा हूँ, आप
मैं स्विगी से बात कर रहा हूँ, गेट पर हूँ। ओके, सोनम के नाम से है ना? हाँ, चेंज नहीं देंगे? हाँ हाँ कर दो, लो 1 सेकेंड। तो मैं अभी तीसरा ऑर्डर को पिकअप करने के लिए जा रहा हूँ। अभी तक बैक टू बैक 2 ऑर्डर तो मैंने कंप्लीट कर दिया, और अभी तीसरा ऑर्डर को जा रहा हूँ पिकअप करने के लिए, उसके बाद इसको भी कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। और आज रही बात कि मैं कितने बजे तक काम करूँगा, तो गाइज अगर मेरा मन लग गया तो हो सकता है रात के मैं 11 या फिर 12 बजे तक काम करूँगा, ठीक है। अगर मेरा मन नहीं किया काम करने का तो फिर कुछ कह नहीं सकते। उन्होंने नहीं दिया, दिया नहीं मतलब उन्होंने, देख कर बता देता हूँ आपको। अच्छा, ये उधर से आया है, बस मिनट नहीं देनी आपको। रुको रुको, और भी सामान है, ये भी है इसके साथ, ठीक है। इसका ऊपर वाले का इसका बिल नहीं दिया? ये बिल किसका है? दो बिल है तो। ये तो उन्होंने अपना और उधर का भेजा ना। अच्छा, तो यही दिया उन्होंने, एक बार बात कर लेना आप। फोटो लेना पड़ेगा उसका? नहीं नहीं बस ऐसे। हाँ ठीक है, थैंक यू। तो गाइज अभी जो मैंने सामान पार्सल किया ना, तो जब इसका ऑर्डर आया था तो मैंने सीधा एक्सेप्ट कर लिया, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज मेरा पहला दिन था, तो मुझे पता ही नहीं चला कि ये ऑर्डर है, मतलब फूड है, या फिर कोई सामान पिकअप करना है, ठीक है। तो जहाँ पर इसका लोकेशन ख़त्म हो रहा था ना, तो वहाँ पर मैं पहुँच गया, और उसके बगल में मेरे को रेस्टोरेंट दिखाई दिया, तो मैं वहीं पर वेट कर रहा हूँ अपने ऑर्डर के लिए। और मैं रेस्टोरेंट वाले को बोल भी रहा हूँ अपना ऑर्डर आईडी नंबर, तो उन्होंने बोला कि वेट कर लो, अभी तक रेडी नहीं हुआ। मैं काफ़ी देर वेट कर लिया, तो उसके बाद मैडम का 2 बार फ़ोन आया, तो फिर उन्होंने उसको पता चल गया कि मैं गलत जगह पे खड़ा हूँ, तो फिर उसने मुझे बताया कि उसके बगल में एक दूसरा शॉप है, वहाँ से सामान पिकअप करना है। तो आज पहला दिन था इसीलिए ये सब हो रहा है, और इसीलिए मैं आज पहले ही लॉग इन कर लिया। वैसे मेरे शिफ्ट है, जब मैं आईडी बनाया था ना, तो उस टाइम मैंने पार्ट टाइम सेलेक्ट किया था, और शिफ्ट शाम के टाइम सेलेक्ट किया था, ठीक है। तो शाम के टाइम 6 बजे से रात के 11 बजे तक मेरा शिफ्ट है, लेकिन मैं उस टाइम नहीं लॉगिन किया हूँ, मैंने दोपहर में ही 2:30 बजे कर लिया था लॉगिन, ताकि मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी लेना था, और पता भी करना था कि किस तरह से काम होता स्विगी में। तो इसीलिए मैं सोचा कि थोड़ा सा पहले लॉगिन कर लेता हूँ, और देखता हूँ कि आज कितना अर्निंग होता। तो आज का दिन काम करके कुछ थोड़ा बहुत सीखने को मिलेगा। ऑर्डर लेना है राइट? वो सामने पड़ता है ना? हाँ जी, कुछ पड़ते के अंदर। ठीक है, ऑर्डर दे दो। 6373। ये वाली एड्रेस आपका ही है ना? हाँ जी। थर्ड वेव नहीं, थर्ड वेव कॉफी, ये पीछे की है, थर्ड वेव यहाँ का नहीं है। नहीं, ये 50K जी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ ऑन है। पीछे वाली साइड है, घूम के जाना पड़ेगा ना? ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो गाइज मैं अभी गलत जगह पर आ गया था, जिसके वजह से अभी मुझे दूसरा रेस्टोरेंट जाना पड़ेगा, इसके बैक साइड है। मैप दिखाता है बैक साइड का लोकेशन, और बैक साइड जाने के बाद पता चलता है कि यार फ्रंट साइड जाना है। एक ही बिल्डिंग में 2 रेस्टोरेंट है ना, तो इस वजह से बैक साइड में कोई और नाम से रेस्टोरेंट है, और फ्रंट साइड में किसी और नाम से है, तो इस वजह से दिक्कत हो गया। तो अब मुझे थर्ड वेव देखना पड़ेगा यार कहाँ पर लिखा हुआ है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो गाइस देखो, मैंने ऑर्डर ले लिया, जो कि यार इस ऑर्डर में ना थोड़ा सा लेट हो गया। तो गाइज हम फिर से ऑर्डर लेने के लिए पहुंच गए हैं यहाँ पे, रोल एक्सप्रेस। हाँ, रिचअप पिकअप लोकेशन कंफर्म, 0789। ये मेरा ऑर्डर है क्या? इसका वो बताना, क्या बोलते हैं, पास कोड है 4789 ना। पिकअप कंप्लीट, थैंक यू। तो गाइज मैंने ऑर्डर
पिकअप कर लिया। तो गाइज अभी आप आसमान में देखो पूरा बादल छाया हुआ है, ठीक है, और ऐसा लग रहा है ना कि अभी थोड़ी देर में बारिश आ जाएगा और हवा भी अभी धीरे धीरे चलने लगा है, तो ऐसा लगता है कि यार बारिश आ जाएगा। देख लेते हैं, फिर भी अगर बारिश नहीं आएगी तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, आ भी सकता नहीं भी आ सकता है। ठीक है, थैंक यू। तो गाइस मैंने पिकअप कर लिया, इसके अंदर मेडिसिन है, दवाई। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो गाइस इसके घर पे कोई नहीं है तो इसने बोला मेल बॉक्स में डाल दे, तो मैं यहाँ पर इसमें डाल दिया उसका जो दवाई था। तो गाइज अभी बारिश के बूंदे दो चार मेरे हाथ पर गिरने लगा है और मैं यहाँ से ऑफ ड्यूटी कर दिया हूँ और मैं अपने लोकेशन की तरफ जा रहा हूँ, नहीं तो मेरा कैमरा और वो सब कुछ गीला हो जाएगा। और मुझे ये भी नहीं पता है कि जो स्विगी का बैग है वो वाटर प्रूफ है या फिर नहीं। मेरा जो टैंक बैग था वो तो वाटर प्रूफ था, ऊपर से जो मैं कवर लगाता हूँ तो उसमें मेरा सारा सामान सेफ रहता है, कैमरा, पर्स, फ़ोन, जो भी है। मैं खुद गीला हो जाता तो हो जाता लेकिन मेरा सामान सेफ रहता है। तो गाइज उसके बाद मैं घर आ गया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बारिश हो रहा, तो घर पर जब मैं पहुंच गया उसके बाद बारिश थोड़ा सा तेज़ हो गया और थोड़ा देर तक कंटिन्यू बारिश हुआ और फिर बंद हो गया। लेकिन एक बार अगर बारिश आ गई तो हमें काम बंद करना ही पड़ता है, क्योंकि मेरा कैमरा, मोबाइल, पर्स, सामान सब कुछ गिल्ला हो जाता है, इसीलिए मैं घर को वापस आ गया। तो अब मैं आपको बताऊँगा कि आज मैंने कितना अर्निंग किया, कितना ऑर्डर कम्प्लीट किया, ठीक है। तो आज मैंने 7 ऑर्डर कंप्लीट किया और 7 ऑर्डर की कमाई 275 रुपया हुआ, ठीक है। 275 रुपया 7 ऑर्डर में मेरा अर्निंग हुआ और 3.5 घंटे के आसपास मैंने आज काम किया, जो कि सिर्फ 275 रुपया 7 ऑर्डर कंप्लीट करके मैंने किया, ठीक है। और ये कम अर्निंग क्यों हुआ इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने स्विगी ज्वाइन किया था तो उस टाइम पार्ट टाइम सेलेक्ट किया था मैंने, तो पार्ट टाइम ही मेरा मतलब आइडिया, मैं पार्ट टाइम ही काम कर सकता हूँ। काम तो मैं फुल टाइम भी कर सकता हूँ लेकिन फुल टाइम में मुझे उतना फायदा नहीं होगा, मैं अभी सब कुछ आपको डिटेल से समझाऊंगा। तो अभी के टाइम में मेरे फोन में शाम के 6 बजे से रात के 11 बजे तक का शिफ्ट शो कर रहा है, तो मेरा जो काम करने के टाइम है वो वही सही रहेगा शाम के 6 बजे से रात के 11 बजे तक। अगर मैं दिन में काम करता हूं तो मुझे इंसेंटिव कुछ भी नहीं मिलेगा, मैं जितना ऑर्डर कंप्लीट करूंगा तो वही 35-40 रुपया मुझे मिलेगा। तो इसीलिए मैं दिन में काम करूंगा तो मुझे ज्यादा अर्निंग नहीं होगा, मेरे लिए शाम का टाइम ही सही है, शाम के 6 बजे से रात के 11 बजे तक। और शाम के 6 बजे से रात के 11 बजे तक काम करके मैं कितना अर्निंग कर सकता हूं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि शाम के टाइम जो मेरा शिफ्ट है ना, मेरा शिफ्ट नहीं, किसी का भी, स्विगी में जिसका भी शिफ्ट है तो शिफ्ट के अंदर ही अगर आप काम करते हैं तो आपको इंसेंटिव दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी 275 रुपया अर्निंग किया, अगर वही मैं शाम को 6 बजे से रात के 11 बजे तक करता तो वो मेरा शिफ्ट के अंदर आता और मेरा शिफ्ट के अंदर मुझे इंसेंटिव बोनस भी मिलता। तो इंसेंटिव बोनस कितना मिलता मैं आपको बता देता हूं। अगर मैं 175 रुपया स्विगी से अर्निंग करता तो मुझे 50 रुपया मिलता और 350 रुपया अगर मैं अर्निंग करता तो मुझे 100 रुपया इंसेंटिव बोनस मिलता। तो मैंने आपको सारा डिटेल बता ही दिया, 275 रुपया मैंने 3.5 घंटे के आसपास में अर्निंग किया, जो कि 75 रुपये का तो मेरा पेट्रोल ही खर्चा हुआ, मात्र 3.5 घंटे मैंने 200 रुपया बचाया पेट्रोल को निकालने के बाद, ठीक है। तो आज मेरा पहला दिन था, मुझे कुछ सीखना था कि स्विगी में काम कैसे होता है, मैंने कभी किया नहीं था, तो इसलिए मैंने टाइम को देखा नहीं और सीधा मतलब जैसे मुझे टाइम मिला मैं चला गया काम करने के लिए। अगर मुझे नेक्स्ट टाइम काम करना होगा तो मैं शाम के टाइम करूंगा, शाम के 6 बजे से रात के 11 बजे तक, उसके अंदर अगर मैं 5 घंटे के अंदर जो भी काम करूंगा तो उसमें मुझे इंसेंटिव बोनस भी मिलेगा, जो कि मेरा पेट्रोल के खर्चे के लिए हो जाए। और ऐसा नहीं है कि जो मेरा शिफ्ट शाम के 6 बजे से रात के 11 बजे तक है तो मैं शाम को ही काम कर सकता हूं, दिन में नहीं काम कर सकता हूं, दिन में भी काम कर सकता हूं लेकिन मुझे इंसेंटिव बोनस नहीं मिलेगा। और अगर जैसे कि मुझे फुल टाइम काम करना होगा तो मैं अपना शिफ्ट चेंज कर लूँगा, पार्ट टाइम से फुल टाइम करना होगा। और जैसे मुझे शाम के टाइम नहीं टाइम मिलता, अगर मैं दिन में काम करना चाहूँ तो मैं अपना शिफ्ट चेंज करके डे में शिफ्ट कर सकता हूँ, तो डे का जो टाइमिंग होगा वो मुझे बता दिया जाएगा कि आपका शिफ्ट इतने बजे से इतने बजे तक है, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, शिफ्ट मैं या आप चेंज भी कर सकते हैं अपने टाइम के हिसाब से। तो मेरे लिए अभी के टाइम में शाम के 6 बजे से रात के 11 बजे तक वाली शिफ्ट सही है, तो मैं इसी शिफ्ट पर काम करूँगा। तो आने वाले वीडियो में आपको स्विगी की अर्निंग भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, तो मैं मिलता हूं आपको फिर किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।